नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ब्यावरा उपसंचालक राजगढ़ द्वारा ब्यावरा पशु चिकित्सालय परिसर में पशु चिकित्सकों, गो सेवकों व विभागीय कर्मचारियों की बैठक ली, जिसमें शासन द्वारा जनहित में चलाई जा रही पशुपालन क्रेडिट कार्ड, लंबी वायरस से बचाव, गौ सेवकों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के लिए किसानों को प्रेरित करना आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर शुभम सक्सेना सहित गौ सेवक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आपने ब्यावरा पशु चिकित्सालय में जो मीटिंग ली है विभागीय समीक्षा की, उसके बारे में बताइए थोड़ा क्या है। जो विभाग की योजना के अंतर्गत जो लक्ष्य दिए जाते हैं उन योजनाओं को लक्ष्य को पूरा करने, किस तरह से उनको लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी आने पर उनकी समस्या का समाधान करना, इस तरह की विभागीय योजना के अंतर्गत एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जो हमारे प्राइवेट वर्कर हैं, मेट्री हैं, गौ सेवक हैं, पशु चिकित्सा हैं और जो सहायक पशु चिकित्सक के अधिकारी हैं, उन सभी की मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या क्या है, जो किन चीज़ों पे विषय डाला, किन चीज़ों पे पर जो है राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें किस तरह से काम करेंगे और उसके अंतर्गत उनको बताया गया है। और इसमें विशेष तौर पर जो आपके माध्यम से पशुपालकों को भी यह कहना बताना चाहूँगा कि जो हमारा सेक्स और सीमन चल रहा है राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत, उसके अंतर्गत भी प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सेक्स और सीमन है उसमें 90% तक जो है हमारी फीमेल काफ पैदा होती है, उसमें जो है जो मेल काफ ना हो इसके लिए शासन ने, क्योंकि अधिकतर आजकल जो कृषि का कार्य जो है मशीनों से होने लगा है, तो जहाँ पे हमारे पहले बैल या पाड़े की ज़रूरत हुआ करती थी उस जगह पे हमारे कम से कम दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम इस तरह का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। शासन के द्वारा किया जा रहा है कि सेक्स और सीमन से केवल बछिया और पर्यायी पैदा। कुछ किसानों के हित में जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही है आपके विभाग के द्वारा, इसमें भी जो हितग्राहीमूलक योजना है जैसे किसान पशु किसान क्रेडिट कार्ड है उसके अंतर्गत भी इनको बताया गया है कि समस्त पशुपालकों के पास में जहाँ पर आप जाते हैं उनसे आप संपर्क करें, अगर उनकी कृषि से संबंधित KCC चल रही है तो वो KCC के साथ में पशु किसान क्रेडिट कार्ड का भी क्रेडिट कार्ड बनाना है। सभी के फार्म भरें जिनकी सिविल या जिनका जो काम का अच्छा चल रहा है बैंक में उनका क्रेडिट अच्छी है उनको पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लाभ दिया जाए। पशु विभाग तो अपनी जगह सही है और काम भी कर रहा है बेहतरीन तरीके से, लेकिन बैंकों की शिकायत आती है कई बार कि बैंकें आपके काम में रोड़ा अटका देती है, बैंकें किसानों को परेशान कर रही है, जितनी सफलता मिलनी चाहिए अपेक्षा करें शासन के मंशानुसार वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि बैंक की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, अपन अपनी तरफ से सोचते हैं कि हम सही हैं, बैंक भी अपनी तरफ से ये सोचती है कि जो वो पैसा दे रही है वो पैसे का रिपेमेंट समय पर हो सके। कई किसान ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर पैसा वापसी नहीं होते हैं, जिनके अंतर्गत बैंकों में काफ़ी NPA बन जाते हैं, उसके कारण से बैंक जो है सभी लोगों को बड़ी सूक्ष्म परीक्षण करके ही देने की कोशिश करती है कई बार। ब्यावरा से खबर समय जगत के लिए देवी सिंह सोंधिया की रिपोर्ट।